हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज हम जो करंट के टॉपिक के अंतर्गत जो हम डेली देखते हैं, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अपने प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, तो उसी के अंतर्गत आज देखने वाले हैं राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, नेशनल मिनरल पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपके कोई भी मेंस हो, आप चाहे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सभी के लिए उपयोगी है। तो इसमें देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, उद्देश्य क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसमें चुनौतियां क्या हैं इसके सामने, या कमियां क्या हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बनाए हैं, तो आप उनको भी देखिए जो आपके लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले बात करें कि जो 2019 की खनिज नीति है, 2019 वाली, इसके पहले भी खनिज नीति थी, तो इसके पहले खनिज नीति कौन थी, और ये 19 वाली किसका किसके बाद आई है, इनके बारे में देख लें थोड़ा सा पृष्ठभूमि जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 वाली थी। ठीक है, उसकी समीक्षा के लिए क्या किया, होदा समिति बनाई गई और उसने सिफारिश की, और उसके आधार पर राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 आई। यानी यदि आपसे कभी पूछें तो इसके सबसे पहले 93 की उसकी समीक्षा हुई, उसमें सुधार हुआ, तो 2008 की आई। अब 2008 वाली की समीक्षा के लिए डॉक्टर राजेश्वर राव की अध्यक्षता में एक समिति बनी 2017 में। अब इस समिति ने जो सुझाव दिए उस उनके आधार पे जो नई बनी है वो 2019 वाली है। तो आप ये तीनों रखिए, 1993, 2008 और 2019। तो समिति की बैठकों और हितधारकों की टिप्पणियों, सुझावों पर विचार विमर्श के बाद समिति ने रिपोर्ट तैयार कर खनन मंत्रालय को दी। ये जो राज्य राजस्व समिति है उसके बारे में इसने बोला है कि इसने विचार विमर्श करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है। ठीक है, और 2019 की पॉलिसी आई है। तो जो 2019 की पॉलिसी है, इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं कि जो खनन क्षेत्र के प्रभावी विनिमय और सतत विकास को, अब देखिए कहते हैं ना कि आप भी उपयोग करो, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखो, सतत विकास यही है ना। तो अब यदि मिनरल ऐसे तो है नहीं कि हमेशा आपको मिलते रहेंगे, आने वाले टाइम में कभी ख़त्म भी हो जाएंगे, तो इनका अच्छे से यदि कुशलतम पूर्वक उत्खनन और उपयोग किया जाए तो ये काफ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखा जा सकता है। तो ये इसका उद्देश्य है, प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन योग्य नीति का निर्माण करना, ताकि, कहने का मतलब इसका भी उद्देश्य है कि प्रभावी उपयोग हो, सही से नीतियों का निर्माण हो, सही से नीतियाँ संचालित हो, ताकि सतत विकास को भी बढ़ावा मिले। ठीक है, पारदर्शिता रहे, ओके, और दीर्घकालिक खनन अभ्यासों को बढ़ावा देना, ताकि लंबे समय तक पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए खनन चलता रहे, इस तरह के तरीकों को अपनाना और बढ़ावा देना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। निजी निवेश को आकर्षित, निजी जो उत्खननकर्ता कंपनियां हैं उनके लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाना ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, और जहां इनकी संभावना है वहां से उत्खनन कर इनका उपयोग किया जा सके, और जिस भूमि में भी उत्खनन होना है वहाँ खनन पट्टा भूमि प्रणाली को सही तरीके से लागू करना और डेटाबेस तैयार करना, यानी जिन क्षेत्रों में होने की संभावना है वहाँ की मैपिंग किया जाए और जानकारी सर्वे करके जानकारी, ताकि उत्खनन करने वाली कंपनियों को सही जानकारी हो तो, और इससे वेस्टेज ना हो और वहीं पे उत्खनन हो। ठीक है, नई खनिज नीति के तहत खनिजों के परिवहन के लिए भी, अब देखिए जब खनिज उत्खनन हो गया है उसका सही से उपयोग होना है, जिन क्षेत्रों में उसकी ज़रूरत है उसके लिए परिवहन की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए भी इस खनिज नीति में व्यवस्था की गई है। जैसे अंतर जलीय मार्ग, अंतर्देशीय जलीय मार्ग, ताकि जल मार्ग क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं और पहुंच भी जल्दी से कर सकते हैं, तो इनके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं यदि आपसे पूछे जाते हैं। यदि इसकी विशेषताओं की बात करें, जो 2019 की खनिज नीति है, तो खनन गतिविधियां जो है अब उद्योग का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव है इसमें। ठीक है, तो इसके देखिए अब कई फायदे हो गए। यदि उद्योग का दर्जा मिलेगा तो जो भी कंपनी इसको इस काम में लगी हैं उनको वित्त मिलना अब आसान हो जाएगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उत्खनन होगा और उसका निर्यात भी होगा, राजस्व भी मिलेगा। ये सारी इसकी प्रभाव हैं, आप इनको क्रम से बोलते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित खनिज गलियारों को प्रोत्साहन देना, इसका क्या फायदा होगा, बेरोक टोक जल्दी से पहुंच बनेगी और वेस्टेज कम होगी। निजी क्षेत्र को खोज के लिए प्रोत्साहन देगा कि पता लगाए कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार का खनिज, कितनी गहराई में, कितने क्षेत्र में, कैसे किया जाए इनका उत्खनन, इन सब की जानकारी को लिए प्रोत्साहन। खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात निर्यात नीति के निर्माण से निजी क्षेत्र में बेहतर नीतियां बनाने में सक्षम होगा और व्यापार में स्थिरता आएगी। ठीक है, तो इसकी विशेषता यानी कि उद्योग का दर्जा, यदि मैं एक शब्द में सब बोलूं, उद्योग का दर्जा, उचित परिवहन व्यवस्था,
अन्वेषण, खोज करना और आयात निर्यात की सही नीतियां लागू करने से व्यापारिक स्थिरता। इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं जैसे निजी जैसे नीति में सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए आरक्षण को भी युक्त संगत बनाने का। देखिए आप केवल जो रेड कलर से इसको भी ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे जो उत्खनन क्षेत्र निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक उपक्रमों को दे दिए गए थे, क्या यदि उनमें आज तक उत्खनन नहीं हुआ तो उनकी नीलामी की जाए और उनको उन क्षेत्रों में जहाँ मौजूद है और उत्खनन नहीं किया गया उनकी नीलामी की जाए और निजी क्षेत्र को दिया जाए और उनकी भागीदारी से उन क्षेत्रों में उत्खनन कार्य किया जाए। इस बात पर भी ये बल देती है नई खनिज नीति। साथ ही जो अब उत्खनन क्षेत्र में जो लगे हैं उनको सहायता प्रदान करना, नीति बना के सहायता, टैक्स को सही से, रॉयल्टी, लेबी, ये सारे ठीक तरीके से युक्त इंटरनेशनल लेवल के करके, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, उत्खनन वाली कंपनियों को और सरकार को भी नुकसान ना हो, तो इस तरह की व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। यदि इस जो नई नीति आई है, अब इसके प्रभाव क्या होंगे, यदि इस तरह की व्यवस्थाएं, विशेषताएं, उद्देश्य आपने देखे तो अब इसके प्रभावों को भी देखा जा सकता है। तो मैं पूरा रीड नहीं करूंगा, वो आपका काम है, मैं सिर्फ हेडलाइन बताऊंगा रेड कलर से मैंने जो की है, ठीक है। इससे क्या होगा, नई से जब परिवहन की उचित व्यवस्था होगी, अच्छे गलियारे होंगे जो खनिज परिवहन के लिए होगी, तो इससे सस्ता और किफ़ायती, ठीक है, जो परिवहन है सस्ता और किफ़ायती पड़ेगा। और जब उचित जलमार्ग भी होंगे तो जिन राज्यों में खनिज मुख्यतः 12 राज्यों में खनिज जो पाए जाते हैं उन राज्यों का एकीकरण होगा, ओके। समर्पित गलियारे का फायदा क्या होगा, परिवहन लागत कम होगी, प्रदूषण कम होगा, राजस्व में बढ़ावा होगा। ये भी आपको ध्यान रखना, यदि सही से परिवहन होता है तो प्रदूषण, लागत और राजस्व में वृद्धि, इतनी सारी चीज़ें होगी। अधिकांश खनिज किन क्षेत्रों में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, इन्हीं क्षेत्र में होते ना, लेकिन वहाँ विकास नहीं हुआ होता। तो इन नई पॉलिसी का जो उद्देश्य यही है कि यदि आप उत्खनन को, अन्वेषण को बढ़ावा दे रहे हैं तो उन जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक संरचना विकास को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि उनकी समृद्धि हो, बुनियादी ढांचा, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, इन सब का भी उन क्षेत्रों में विकास किया जाए। और उन क्षेत्रों के जो जिला हैं उन्हें जिला खनिज निधि से खनिज समृद्ध हर जिले के विकास में मदद मिलेगी, यानी जो जिला खनिज निधि होगी जिन क्षेत्रों में उत्पादन होता है खनिजों का, वहाँ से उस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी। ये इसके प्रभाव हैं, फायदे हैं, लाभ कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो भी एग्जाम में आया आपको लिखने के लिए। जिला खनिज निधि का समुचित उपयोग स्थानीय क्षेत्र में जल, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान। कहने का मतलब यही है कि जो खनिज नीति है इससे क्या होगा, बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस नीति से लोगों को शिक्षित करना, कौशल विकास करना, पर्यावरण की रक्षा करना, इन सब मुद्दों को भी शामिल किया गया है, ओके। और औद्योगिक दर्जा देने से क्या होगा, उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी और वित्त प्राप्त होने से निवेश बढ़ेगा, जो कि मैंने पहले ही बताया है। डेटाबेस तैयार करने की बात की गई है, जिसका फायदा ये होगा कि जिन क्षेत्रों में इसकी उत्पादन की संभावना है उन क्षेत्रों का पता रहेगा, वहाँ खोज होगी और कंपनियाँ उस क्षेत्र में आसानी से पहुँचकर इसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगी, ओके। अब देखिए, आपने नीति के उद्देश्य देखे, इसके फायदे देखे, इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि जो अब इस समय जो वर्तमान में खनन क्षेत्र की जो चुनौतियाँ हैं वो ये हैं कि कुछ पिछले सालों से, कुछ वर्षों से जो जीडीपी का योगदान है खनन क्षेत्र में वो लगातार कम हो रहा है, यानी रोजगार भी गिर रहा होगा, ओके, और जीडीपी में योगदान भी खनन क्षेत्र का कम हो रहा है। अन्वेषण में भारत बहुत कम निवेश करता है, यदि हम कनाडा जैसे देशों से तुलना करें तो भारत बहुत कम निवेश करता है खनिजों के अन्वेषण में। अवैध खनन भी बहुत ज़्यादा होता है, आप यहाँ चाहे रेत हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जितने का पट्टा लिया जाता है जितने एरिया का, उससे कई गुना ज़्यादा एरिया का और मात्रा का उत्खनन कर लिया जाता है, तो ये भ्रष्टाचार की वजह से ये, तो आप उत्खनन इसको भी रोकना होगा। आपको जितना पट्टा मिला है जितने एरिया का, उतना और उतनी गहराई तक ही खोदना चाहिए। बड़े पैमाने पे पर्यावरण क्षति हो रही है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। खनिज अन्वेषण संबंधी नियम कानून की बड़े पैमाने पर अस्पष्टता एक अन्य चुनौती है, जिसके कारण अन्वेषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी कम हुई है। तो ये आप चुनौतियों के अंतर्गत देख सकते हैं, ये लिखने को आ सकता है कि
खनिज क्षेत्र, खनिज उत्खनन क्षेत्र की चुनौतियाँ, या राष्ट्रीय यदि ये पॉलिसी भी आ जाती है तो आपको, यदि 15 नंबर में आती है, मैं MPPSC मेंस की बात कर रहा हूँ, आने को किसी भी एग्जाम में आ सकती है, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे कि पृष्ठभूमि से लेके इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी चीज़ें। राष्ट्रीय खनिज नीति बनाते समय पर्यावरण की अनदेखी की गई है, ये भी एक महत्वपूर्ण इसकी समस्या बोल सकते हैं, चुनौती बोल सकते हैं। साथ ही जो प्रदूषण के मानक हैं, वायु प्रदूषण के, इनके भी मानक तय करने में ये असफल रही है, इसमें तय नहीं किए गए हैं इस नई खनिज नीति में, ठीक है। साथ ही खनिजों एवं खनन स्थलों की सुरक्षा मानकों को स्पष्ट रूप से तय करने में असफल रही है ये नीति। इसके अलावा विस्थापन, तो देखिए आप जिन क्षेत्रों में यदि आप कारखाने लगा रहे हैं या उत्खनन कार्य कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो वहाँ से विस्थापन भी एक समस्या होती है, और उनको सही तरीके से जगह, मतलब सही तरीके से दूसरी जगह रखा नहीं जाता है, तो ये सारी भी एक समस्या है। तो आप इसके लिए कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये सुझाव क्या हो सकते हैं कि वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरण की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र मिनरल ऑडिट एजेंसी की स्थापना, जिसका काम क्या होगा कि ये देखेगी कि यहाँ कितने का खर्चा आएगा, कितना उत्पादन हो सकता है, पर्यावरण को क्या क्षति होगी, और यहाँ के सामाजिक परिवेश में क्या प्रभाव पड़ सकता है, और क्या करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की जानकारी देगी मिनरल ऑडिट एजेंसी। तो इसकी स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। सरकार को जिला खनिज निधि के उपयोग में पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गलियारे जो संचालन होना है उनके लिए शिपिंग मंत्रालय, सड़क मंत्रालय, रेलवे तथा राजमार्ग मंत्रालय, आपसी सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको इन तीनों में कोऑर्डिनेशन रखना है, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेलवे हो, तभी आप सही से आयात निर्यात कर सकते हैं टाइम से, ओके। सरकार को जो मेक इन इंडिया पहल है, इसके तहत जो खनन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में निवेश करना चाहिए, साथ ही खनन की लागत कम होगी और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, तो ये इसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा अभी यदि उत्खनन से संबंधित कोई विवाद पैदा होता है, तो फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना होगी, होनी चाहिए, जिससे इंटरनेशनल लेवल में भी इसके निवेश को बढ़ावा मिलेगा। खनिजों के आयातों को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि वो खनन की लागत पर सब्सिडी का प्रावधान करे, ओके। और खनिज गलियारे के संबंध में एक अलग कार्यबल खनिजों के निर्बाध परिवहन में बाधाओं की पहचान करने में मदद करेगा, तो उसकी भी स्थापना की जानी चाहिए। तो ये कुछ सुझाव हैं जो आप इसके अंतर्गत दे सकते हैं। तो हमने जो पॉइंट पढ़े वो पृष्ठभूमि, उद्देश्य, प्रभाव और इसके लिए सुझाव देने की बात की गई है, तो आप इनको करिए, और ये आपके लिए मेंस के लिए, प्री के लिए बहुत ही उपयोगी है और आ सकता है, ठीक है। और इसके पहले की दोनों खनिज नीति 1993 और 2008, ओके। तो लेसन कंप्लीट हुआ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ओके, थैंक यू।